कराची में 24 जुलाई को होने वाला बलदियाती इंतखाबात मुलतवी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं। सोराबगोट टाउन UC5 के नामजद उम्मीदवार चेयरमैन सुल्तान बुलेदी और वाइस चेयरमैन लाला रहीम ने अपने हलके में सियासी सरगर्मियाँ जारी रखते हुए कहा कि इलेक्शन 28 अगस्त को हो या फिर जब भी हो, हम अपने हलके में सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे और आवाम के दरमियान रहेंगे। हम अपनी UC में दरपेश मसाइल अपनी आवाम की मौजूदगी में हल करेंगे। शुमालियती प्रोग्राम में लाला रहीम ने कहा कि इस हल्के में काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया है। पहले UC बहुत बड़ी थी, अब छोटी UC है, तो काम भी सही से करवा सकते हैं। हम वादे नहीं करते कि पेरस बनाएंगे, मगर इतना ज़रूर करेंगे जो गंद और जो मसले हैं वो ज़रूर हल करेंगे। उम्मीदवार चेयरमैन सुल्तान बुलेदी ने कहा कि पहले यहाँ MPA और MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया है, मगर मैं इतना यकीन दिलाऊँगा कि अगर हम आए तो ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि हम रहते भी यही हैं, इसी UC में रहते हैं। अगर मैं आप लोगों का काम करूंगा तो समझो मैं अपने काम कर रहा हूं, क्योंकि ये UC अब हमारी है, इसके हर मसले का हल हम करेंगे और हम खिदमत को फ़र्ज समझते हैं। इलेक्शन जब भी हो, आप लोगों ने तीर पर मोर लगा कर जितवाना है, अगर हकीकी काम और मसले का हल चाहते हो। उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर अमीर ज़ैब खानकोरी ने कहा कि खिदमत इबादत है, हम वो इबादत करेंगे, हमारा मिशन काम करना है तो हम काम ही करेंगे।